अभी हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में हमने देखा था ग्रीन मैन्योरिंग लगाया था, ये ग्रीन मैन्योरिंग का 60 दिन के बाद इसमें दो तुअर के लाइन में हमने ये मल्चिंग कर दिया है। अब ये तुअर की लाइन और उधर की लाइन, इसके बीच में ये मल्चिंग, फिर बाद में मल्चिंग, अब ये मल्चिंग हो गया है। ये मल्चिंग इसका लेयर आप ये देखिए कि कितना बड़ा बायोमास यहाँ पे तैयार हो गया है। ये मल्चिंग का लाभ अब ये होगा कि पानी का बाष्पीभवन नहीं होगा, यहाँ नमी बने रहेगी और ये तुअर को इरीगेशन करने का काम नहीं गिरेगा। इस तरह से कम बाष्पीभवन होकर वातावरण में फिर से नहीं जाएगा, वो पूरा पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होगा। इस तरह से एक सॉइल फर्टिलिटी, वाटर कंजर्वेशन, इसमें फिर जगह जगह लॉकिंग है, ये लॉकिंग से पानी यहाँ पे पूरा रुकेगा और इसकी नमी फिर तुअर को ये मिलते रहेगी। इस तरह से हमने ये मल्चिंग ये हो गया, ये हमने 60 दिन के बाद कर लिया, लेकिन इसको काटा है तो इसमें कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं कि जो फिर से ग्रीन होगी, वो ग्रीन को फिर एक बार काट के फिर उसका बायोमास में लाएंगे, तो यहाँ पर धीरे 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 बहुत बड़ा बायोमास तैयार हो जाएगा। यही बायोमास हमारे सॉइल फर्टिलिटी को, हमारे ऑर्गेनिक कार्बन को ये डेवलप करेगा। अब इसमें दो लाइन हम लोगों ने तुअर की लगाई, तो दो लाइन के बीच में आप देख रहे हो इसमें मक्का लगाया है, तो ये मक्के से हमारा पूरा तुअर का खर्चा निकल जाएगा और ये मक्का पूरी तरह देसी मक्का है, तो इसका स्वाद वगैरह इतना बढ़िया है, तो ये ट्रैप प्लांट का भी काम करेगा और साथ ही ये टूर में एक इंटरक्रॉप भी हो जाएगा और हमारे पशुओं के लिए चारा भी बन जाएगा इसका। तो यहाँ हमने चारा भी पैदा किया, इससे भी चारा बनेगा, इसके लीफ से भी, और चारे के साथ हमने उत्पाद लेने का भी काम किया। तो अभी ये आप टूर ये स्टेज में देख रहे हो 24 अगस्त को, नवंबर के फर्स्ट वीक में देखोगे तो 8 फीट का ये जो डिस्टेंस है वो पूरा पैक हो जाएगा और इसका 10 से 12 क्विंटल टूअर का भी उपज मिलेगा। तो हमने क्रॉप भी लिया, सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ाई, वाटर कंजर्वेशन का भी काम किया, सॉइल एरोजन को रोकने का भी काम किया इन क्रॉपों के माध्यम से। अब एक महीने के बाद इसका हार्वेस्टिंग हो गया, लेकिन एक महीने के बाद फिर ये ग्रीन हो जाएगा। तो हमने जो पहले कटाई की वहाँ देखिए कि फिर से दोबारा हमें ग्रीन मैन्योरिंग फिर से डबल से मिल रहा है वहाँ पे, उसको काट के हम फिर मल्च कर देंगे तो वो प्रति एकड़ हमें 400 से 500 रुपए खर्चा आएगा, लेकिन वो ग्रीन मैन्योरिंग का मैन्योर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें 2000 रुपए का मैन्योर मिलेगा। तो 500 रुपए खर्च करके 2000 का मैन्योर मिल रहा है तो 1500 रुपए फिर हम लाभ में रहे और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ी, वो बात अलग है, वो हम आगे देखते हैं कैसे किया है। अभी हम लोगों ने मल्च करने के बाद वो सूखता है, सूखने के बाद एक महीने बाद फिर ग्रीन होता है, तो यहाँ हमने करीब 20 दिन पहले यहाँ हमने वो काट के मल्च कर दिया था। अब उसको फिर से एक बार देखिए, बाजरा है, कुछ घास है, ये फिर से एक बार ग्रीन हो रहा है। ये ग्रीन होने का, इसको एक बार हम काट के जब थोड़ा बढ़ जाएगा, जब काट के फिर मल्च कर देंगे तो पहला मल्चिंग और ये दूसरा मल्चिंग, इस तरह से ये दो मल्चिंग हमारे पूरे सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। अब ये धीरे धीरे, ये पहला मल्चिंग जब खाद में कन्वर्ट होगा तो ये तुअर के सारे रूट्स को ये खाद सप्लाई चालू हो जाता है और तुअर का ये दोनों लाइन का तुअर का उपज बढ़ जाता है। इस तरह से ये तुअर की भी उपज बढ़ेगी और हमको सॉइल फर्टिलिटी का भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये होगा अब दूसरा ग्रीन मैन्योरिंग, यानी एक ही ग्रीन मैन्योरिंग में दो बार बारिश होने की वजह से।